बसंत पंचमी आते ही ब्रज में होली की धूम शुरू हो जाती है। मंदिरों में रंग अबीर उड़ना शुरू हो जाता है। ब्रज के गांव में हुरंगा होने लगता है, पर हम आपको दिखाएंगे ब्रज की वो परंपरा जो विश्व में केवल कोसी के ही निकट गांव प्रहलाद नगरी फालिन में होती है, जहां 25 फुट ऊंची दहकती आग से गांव फालिन का रहने वाला युवक पंडा हमेशा निकलता है। शनिवार को अपना घर परिवार छोड़कर गांव की परिक्रमा कर सैकड़ों गांव वासियों के साथ नाचते गाते हुए युवक प्रहलाद मंदिर पहुंचा, जहां गांव फालिन में हजारों साल पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए सात गाँव की पंचायत में भक्त प्रहलाद की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी इस बार मोनू पंडा ने ली। पंचायत के समक्ष प्रहलाद जी की माला संभाली और होलिका दहन के दिन 28 मार्च को आग से निकलने की जिम्मेदारी ली। शनिवार को मोनू पंडा ने प्रहलाद कुंड की परिक्रमा की और मंदिर पुरोहित भगवान सहाय ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराकर होलिका की स्थापना की, जहां 5 कंडा उपला गाय के गोबर के रखकर स्थापना की गई। उसके बाद मोनू पंडा प्रहलाद मंदिर में तपस्या पर बैठ गया। आज से मोनू अपने ही हाथ का बना खाना खाएगा, घर वालों से कोई खाना नहीं खाएगा, 1 महीने मंदिर में रहकर केवल तप करेगा। आपको बता दें कि होलिका दहन के दिन फालिन में हजारों देश विदेश के श्रद्धालुओं के बीच 25 फीट ऊंची 10 फीट चौड़ी आग के दहकते अंगारों से पंडा निकलेगा। मोनू प्रहलाद मंदिर में दीपक की लौ पर हाथ रखकर लग्न का इंतजार करता है। जब लग्न आती है तो गांव वालों को अपने ही हाथ से बनाई गई अपनी चिता को आग लगाने का आदेश देता है और खुद स्नान के लिए कुंड में चला जाता है। कुंड किनारे उसकी सगी बहन दूध की धार लेकर खड़ी होती है और भक्त प्रहलाद से विनती करती है कि वो अपने तपोबल से अग्नि की तासीर को ठंडी कर दे। जब बहन इशारा देती है और अपने हाथ में लगे बर्तन से आग में छींटे मारती है, तभी पंडा पानी से बाहर निकलकर दौड़ता हुआ पलक झपकते ही दहकती आग से निकल जाता है। मोनू पंडा दूसरी बार अंगारों को पार करेगा, वहीं उनके दादा और पिता दर्जनों बार इस होलिका की आग से निकल चुके हैं। हाँ जी बताएं, जो आज प्रहलाद जी जो बैठे हैं जो हवन पर, जो अपने 1 महीने के लिए बैठते हैं, उसकी क्या परंपरा है? ये जो है सभी जगह देखा होगा, हिंदुस्तान के अंदर बसंत पंचमी को होलिका की स्थापना होती है, लेकिन हमारे यहाँ माघ शुक्ला पूर्णिमा को स्थापना की जाती है होलिका की, और उस दिन से पंडा जी व्रत लेते हैं, संयम लेते हैं, एक तरह का संकल्प लेते हैं, यानी कि मैं कहीं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ से मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, यानी जो सीमा है हमारे मंदिर की या गांव की सीमा के बाहर नहीं जाएगा, संयम नियम का पालन करेगा, घर नहीं जाएगा, अपने आप ही भोजन करेगा, बनाएगा, खाएगा, किसी प्रकार की अशुभ भाषा नहीं बोलेगा, सत्य भाषण करेगा। और जो है होलिका की स्थापना इसलिए की जाती है, और फिर महीना के बाद में होली के दिन पंडा जी अग्नि में से निकलते हैं। अब की बार कौन पंडा जो निकल रहे हैं, उनका क्या नाम है, वो कब से निकल रहे हैं? मोनू पंडा है, अब की साल में दूसरी साल है उसकी, दूसरी साल है। वो उनके परिवार से भी कोई निकलते हैं कि यही नहीं, उनके 15 घर हैं, 15 घरों में से कोई भी निकल सकता है, जब तक पंडा की सामर्थ्य है तब तक वो पंडा एक ही निकलता रहेगा। भाई पंडा जी बताएं, जो आज आप तब व्रत पर बैठे हैं जो होली में निकलने के लिए, वो कब से बैठ रहे हैं? जी हमको बसंत पंचमी से 10 दिन पहले, और वे 1 महीना सवा महीने के लिए बैठते हैं, और सवा महीने का संकल्प जो व्रत होता है उसको पूरा करते हैं, उसके बाद में जो ईश्वर की कृपा होती है वो होती है। आप कब से निकल रहे हैं इस होली? बरती साल भी निकला था और अब इस साल भी। तो आपके परिवार से कितने में ये परंपरा कब से चली आ रही है आपके परिवार से? करीब करीब 1000 वर्ष से। अच्छा, इस गांव की जो परंपरा है वो कब से चली आ रही है, इसमें पंडित होली के दहन के में से जो निकलते हैं वो कब से चली आ रही है? ये परंपरा तो साहब 52 वर्ष से चली आ रही है, पर लेकिन मतलब जो परंपरा यहाँ जो स्थापित है वो हमारे यहाँ शायद 1200 वर्ष से चली आ रही है। अच्छा, तो आप मतलब जो इस पर बैठते हैं, जो तप वन पर बैठते हैं, तो इसमें क्या क्या आपको जो करना पड़ता है? 40 दिन तक हमको ऐसा नियम करना पड़ता है कि एक लौंग बताशा ही में अपने व्रत संकल्प करते हैं, उसके बाद में जो भी ईश्वर की कृपा होती है वो असीम है। तो आप जब होली दहन कामा से जो निकलते हैं,
तो आपको कैसा महसूस होता है? कुछ आपको कोई शक्तियाँ या कुछ ऐसा कोई प्रतीत होता है? पहला जी कृपा से उस समय होली चंदन बन जाती है।